नमस्ते, मैं उषमा टंडेल आपको आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। आज का सेशन खुशी पर है। अपने जीवन में अधिक खुशी और आनंद आकर्षित करने के लिए कुछ सकारात्मक सुझावों पर है। आप चाहें तो इसे सोते समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशी एक चाह है, आप खुश रहना चुन सकते हैं। जीवन में तनाव होने वाला है, पर आपको यह निर्णय करना है कि आप उससे प्रभावित होंगे या नहीं। आज के सेशन में आपको सकारात्मक सुझाव मिलेंगे जो आपकी खुशी और आनंद को बढ़ाने में मदद करेगा। अपने सुख को और अधिक बढ़ाने के लिए और महसूस करने के लिए मैं आपको इस रिकॉर्डिंग को कम से कम 21 दिनों तक सुनने की सलाह देती हूँ, या जब तक आप आवश्यकता महसूस करते हैं। अपने मन को भटकने की और शांत होने की अनुमति दीजिए। और अगर आप सो जाएं तो भी भरोसा रखें कि यह प्रक्रिया बड़े ही अच्छे से, बड़े ही आसानी से आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन पर काम कर रहा है। अगर अंत में आपको यह रिकॉर्डिंग पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट कर अपना अनुभव बताएं। बेल आइकन क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियोस की सूचना आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही साथ मैं भी और भी ज़्यादा वीडियोस बना पाऊंगी और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगी। थोड़ा समय लेकर अपने आप को रिलैक्स होने दें। अपनी आंखें बंद कर लें। और अपने शरीर को बस आराम करने दें। अपने आरामदायक अनुभवों में डूबने दें। आपको लंबी गहरी सांस लेने की जरूरत महसूस हो सकती है। अपने नाक के माध्यम से सांस अंदर ले और अपने मुंह के माध्यम से सांस बाहर छोड़े और बस अपने आप को अपने खुद के आरामदायक अनुभवों में डूबने की अनुमति दे। जबकि यह सुझाव आपके अवचेतन मन पर काम करते हैं। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आप चुन रहे हैं वो सुझाव जो आपके लिए उपयुक्त है। सभी विकल्प, सभी चुनाव आपके हैं। अपने मन को अन्य सभी विचारों से मुक्त कर दें। मन में
आने वाली सभी विचारों को जाने दीजिए और इन एफर्मेशंस में, सकारात्मक सुझावों में अपने आप को डूबने दीजिए। मैं आज खुशी और आभार भाव का चुनाव करती हूँ। मैं स्वस्थ, खुश और सफल होने के लायक हूँ। मैं अपने आप से खुश हूँ। मुझे अपने आप पर गर्व है। मैं एक खुशहाल जीवन जीने के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर रहा हूँ। मुझे दूसरों को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं अच्छा कर रही हूँ। मैं खुश हूँ। मैं अपनी खुशी खुद बना रहा हूँ। मुझे दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपना जीवन नहीं जीना। मैं अपना जीवन इस तरह से जीती हूँ जो मुझे खुश रखेगा। मैं खुश दिखने के बजाय खुश रहना चाहता हूँ। मैं खुद को वास्तव में लगातार खुश रहने की अनुमति दे रही हूँ। हर दिन हर तरह से मैं खुश और आनंदित हो रहा हूँ। खुशी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं खुश रहना चाहता हूँ और मैं खुश रहने के लायक हूँ। मैं आज खुश और आभारी होने का चुनाव करती हूँ। मेरा भविष्य प्रकाश और हंसी से भरा है। अब मेरा अपने अतीत से के साथ समझौता हो गया है। मैं अब अपनी आदर्श वास्तविकता को आकार दे सकता हूँ। मैं जैसा चाहती हूँ वैसे अपने जीवन का निर्माण करती हूँ। जब मैं खुश होता हूँ तो मैं खुश होने के लिए और अधिक कारणों को आकर्षित करता हूँ। हर नया दिन खुशी से शुरू होता है, आनंद से भरा होता है और संतोष के साथ समाप्त होता है। मैं अब खुश होने को तैयार हूँ। मैं अब स्वीकार करता हूँ कि आनंदित रहना ही मेरा असली स्वभाव है। मैं खुशी महसूस करने के योग्य हूँ। मेरी खुशी मेरे भीतर से आती है। खुश रहना मेरे लिए आसान है।
हंसते रहना मेरा दूसरा स्वभाव है। मैं खुद को बिना शर्त स्वीकार करती हूँ। आनंद मेरे जीवन का केंद्र है। मैं अपने जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता देखता हूँ। स्वाभाविक रूप से मुझे सुखद विचार आते हैं। मैं हमेशा खुशहाल परिस्थितियों में घिरे रहती हूँ। मैं लगातार अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करता हूँ। जीवन की सभी प्रक्रिया मुझे खुश करती है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मुझे खुशी मिलती है। मैं अपने हर काम में आनंद का अनुभव करता हूँ। मैं खुद को खुश महसूस करता हूँ। मैं खुद को आनंदित होने की अनुमति देती हूँ। मैं खुद को अच्छा महसूस करने की इजाजत देता हूँ। अगर मैं अपने आप पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करूँ तो मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मुझे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मैं ठीक हूँ और खुश हूँ। मैं अतीत के दर्द के बजाय इस पल की खुशी का चुनाव करती हूँ। मैं दिन के हर पल का आनंद लेती हूँ। मेरे आनंद का अनुसरण करने से मेरे जीवन का मार्ग स्पष्ट होता है। खुश रहने के निर्णय से मैं स्वस्थ रहती हूँ। मुझे जो खुशी महसूस हो रही है वह मेरे आसपास मौजूद हर किसी को महसूस हो रही है। मैं खुश रहकर दूसरों को खुश करता हूँ। मैं इस शानदार जीवन के लिए भगवान का आभारी हूँ। मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे जीवन को छुआ और इसे जीने लायक बनाया। मेरा जीवन खुशहाल है। जब मैं अपना आनंद दूसरों के साथ बांटता हूँ तो मेरा आंतरिक आनंद फैलता है। खुशी संक्रामक है। मैं दूसरों के लिए खुशी फैलाता हूँ और दूसरों से खुशी को अवशोषित करता हूँ। मैं कई जिंदगियों को छूती हूँ। मेरी खुशी इन सभी लोगों को खुश करती है।
इस प्रकार यह एक बड़ी खुशहाल दुनिया बना देती हैं। मेरी प्रसन्नता मुझे मेरे द्वारा आकर्षित की गई हर चीज में वापस दिखाई देती है। भविष्य हमेशा उज्जवल और खुश है। मैं केवल चीजों के उज्जवल पक्ष को देखता हूं। मेरा खुशहाल स्वभाव मेरे जीवन में खुशियां भर देती है। मैं नियमित रूप से दया भाव से कार्य करती हूँ। दया भाव प्रेम को जन्म देती है और प्रेम का परिणाम खुशी होता है। मैं अपने हर काम में आनंद का अनुभव करता हूँ। खुशी और प्यार मुझसे स्वतंत्र रूप से बहते हैं। मैं दयालु हूँ, मैं प्रेमल हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं केवल सकारात्मकता देखती हूँ, मैं केवल सकारात्मक सोच रखता हूँ, मैं चुनती हूँ कि परिस्थितियों का जवाब कैसे दिया जाए, मैं अच्छा महसूस करने का चुनाव करता हूँ, मैं आभारी हूँ, मैंने खुश रहने का निर्णय किया है, हर रोज हर समय मैं खुश रहने योग्य हूँ, मेरे लिए पूरे दिन हर दिन खुशी महसूस करना संभव है। मैं अपने आप को पूरे दिन हर दिन खुशी महसूस करने की अनुमति दे रही हूँ। मेरे लिए पूरे दिन हर दिन खुशी महसूस करना स्वाभाविक है। मेरे लिए पूरे दिन हर दिन खुशी महसूस करना आसान है। मेरा जीवन खुशियां, शांति और प्रेम से भरा है। खुशी, स्वास्थ्य और आनंद सदैव मेरे जीवन के साथ है। खुशी, स्वास्थ्य और आनंद मेरे जीवन के स्तंभ है। मैं शांत हूँ, खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और स्वतंत्रता से अपने आप को स्वीकार करता हूँ।
जो खुश है वही दूसरों को भी खुश करेगा। इतने खुश रहोगी जब दूसरे तुम्हें देखे तो वह भी खुश हो जाए। हमें यह जीवन एक बार मिलता है, इसलिए जो भी आपको खुश करता है उसे करें, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। जब आप अपनी खुशी की परिभाषा बदलते हैं, आप एक खुशहाल जीवन का आनंद उठाते हैं। आप उन सभी सुझावों को स्वीकार करते हैं जो आपके लिए सकारात्मक और लाभदायक है, और जो भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है उन्हें त्याग रहे हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो आप बस एक गहरी नींद में बह सकते हैं। अब आप रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं या इस गिनती को अनदेखा कर दें। अब कुछ ही क्षणों में मैं आपको 0 से 5 तक गिनती करूंगी। 5 पर आप पूरी तरह से सचेत हो जाएंगी और इस सेशन के कारण होने वाली शांति और शिथिलता का आनंद उठाएंगे। एक गहरी सांस लें और ऊपर आना शुरू करें। 2, महसूस करें कि किस तरह यह हिप्नोसिस आपका मन प्रसन्नित हो गया है। 3, एक ताजगी का एहसास हो रहा है। 4, कुछ और गहरी सांसें लेकर अपने आप को और ऊपर आने की परवानगी दीजिए। 5, अपनी आंखें खोलें और सचेत हो जाएं। 1, 2, 3, 4, 5 आंखें खोल दें, पूरी तरह से सचेत हो जाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्ते।